पप्पू आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? रुतबा बेटा, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। तुम्हारी मोहब्बत और हमारी इज्जत बचाने का वाहिद तरीका है। भाई साहब अल्तमा से खफा हो गए हैं, वो ये रिश्ता खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। बाबा जानते हैं कि इस रिश्ते से मेरी सारी खुशियां जुड़ी हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। बेटा वो तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें बहुत अजीज हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं सोच सकते। वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे भी बहुत अजीज हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने बच्चों की खुशियों के खातिर उठ खड़ी हूँ। रुतबा अभी अगर ये निकाह नहीं हुआ ना तो तुम हमेशा के लिए अल्तमश की मोहब्बत खो दोगी। भाई साहब जमीनों से लौटते ये रिश्ता खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। वो लेकिन अगर बाबा की इजाज़त के बगैर आज ये निकाह हुआ तो बाबा मुझे ही ख़त्म कर देंगे। आप बाबा के गुस्से को जानती हैं ना, बाबा गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। रुतबा तुम्हारा ये डर, तुम्हारा ये खौफ, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। हमारे पास खोने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। एक बार निकाह हो जाए हमारी सारी मुश्किलात आसान हो जाएगी। अच्छा मैं एक बार बाबा से बात तो कर लूं। पागल हो गई हो? ये वक्त हमारी मोहब्बत की आजमाइश का वक्त है, बाबा से पूछने का नहीं। जल्दी चलो, लेट हो रहे। माँ जी वाली साहब आ गए। मैं देखी। सुनो, सब सुनूंगा मेरी जान, सब सुनूंगा। एक बार मेरी हो जाओ, सब सुनूंगा मैं। चलो चलो।